वाहनों में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग के मामले में हनुमानताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधी कैंप में एक घर पर छापा मारकर 34 घरेलू गैस सिलेंडर, वेट मशीन और मोटर जब्त करने की कार्रवाई की है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि आरोपियों में से एक आरोपी भाजपा नेता का करीबी रिश्तेदार भी है। वाहनों में घरेलू गैस की अवैध रूप से रिफिलिंग करने के मामले में हनुमानताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने सिंधी कैंप निवासी उमेश सोनकर के घर पर दबिश देकर 34 घरेलू गैस सिलेंडर, एक वेट मशीन और मोटर जब्त की है। हनुमानताल पुलिस के मुताबिक उमेश सोनकर और उसका नौकर हर्ष पटेल वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उमेश के घर से 34 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। उमेश सोनकर है, उसके घर से हमने आज बड़ा जखीरा पकड़ा है। इसमें HP गैस सिलेंडर 34 सिलेंडर हमने पकड़े हैं, जिसमें से 15 भरे हुए हैं और 19 खाली हैं। इसके साथ साथ हमने एक वेट मशीन और एक रिफिलिंग मोटर मशीन होती है वो पकड़ा है। पुलिस को आते देखकर उमेश सोनकर और जो ऑटो वगैरह थे उनमें अफरा तफड़ी मच गई और वो भागने में सफल हो गए, किंतु जो उसमें संलिप्त था उसका नौकर हर्ष पटेल है, उसको हमने मौके से गिरफ्तार कर लिया है और जो भी मौके से मिली हुई सामग्री हैं वो जब्त की हैं। उमेश सोनकर को भी इसमें आरोपी बनाया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। नहीं, पूर्व में इसके आपराधिक रिकॉर्ड हम निकाल रहे हैं, इसमें जिला बदर की कार्रवाई हम संचित करेंगे और चूँकि यह एक हैबिचुअल टाइप का ऑफेंडर हो गए हैं इस मामले में, जो कि इसी एक्ट के जो है काफ़ी गंभीर मामला है। चूँकि गैस महंगी भी हो गई है और लोगों को ईंधन के रूप में नहीं मिल रही है और ये अवैध रूप से रिफिलिंग करके अवैध लाभ कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है और इस पर हम जो है कड़ी कार्रवाई जो जो बन सकती है वो भी हम करेंगे। पुलिस के मुताबिक उमेश सोनकर को पूर्व में भी अवैध गैस रिफिलिंग के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। उमेश एक भाजपा नेता और पूर्व MIC सदस्य का रिश्तेदार भी है। पुलिस ने उमेश और उसके नौकर के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया है।